मयूर परीक हूँ एबीपी न्यूज से। क्या आपने फिल्म के नाम में किसी तरह का कोई बदलाव किया है? क्योंकि पहले एमएसजी जो हमने सॉन्ग सुने उसके अंदर भी एमएसजी था, लेकिन यहाँ पर एमएसजी द मैसेंजर आपकी प्रेस रिलीज में भी कुछ ऐसे ही लिखा गया है, क्या बदलाव है ये? पहले एमएसजी द मैसेंजर ऑफ गॉड था, तो कंपनी के लोगों ने हमें बोला गुरुजी अगर ये नेम चेंज हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने ये नेम पहले रजिस्टर्ड करवाए हुए हैं, एमएसजी द मैसेंजर, एमएसजी द सन ऑफ गॉड, ऐसे काफ़ी नाम थे। तो वो कहने लगे क्या गुरुजी हम इस नेम को चेंज करके करवा सकते हैं? तो हमने कंपनी को बोला जो आपको ठीक लगता है वो वाला नाम रख दें। तो उन्होंने फिर हम जब प्रमोशन पे गए थे उन्होंने बोला गुरुजी आप ये ट्वीट करें कि एमएसजी द मैसेंजर। वजह क्या है? हमें ये कुछ नहीं बोला, कहते गुरुजी इस नाम में थोड़ा अगर बदलाव ला दें, तो हमने कहा ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लिए ऐसा कोई चीज़ नहीं। द मैसेंजर एक मैसेंजर फ़कीर है, संत है, वही बताने आया। तो आप जी क्या ये नेम चेंज का सेंसर बोर्ड के साथ में जो पिछले दिनों में कुछ घटनाक्रम हुए किसी भी तरीके से कुछ लेना देना है? नहीं, सेंसर बोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ऑलरेडी वो पास हो चुका था। जाकिर सिसोदिया फ्रॉम मकराना मैगजीन। अच्छा, ये अपना पंजाब में बैन किया था पिक्चर को, क्या टाइटल चेंज करने से रिलीज होगी वहाँ पे? पंजाब में लोगों को बोला गया है, वहाँ बात भी की गई है, तो वो कहते हैं हम देखेंगे, अभी शायद वो बोल रहे थे आज या कल में कि हम देखेंगे और बताएंगे कि क्या हम इसे रिलीज कर सकते हैं, तो अभी वेट कर रहे हैं इस चीज़ का। फिल्म 13 फरवरी को रिलीज हो रही है, क्या जैकलीन फर्नांडिस की फिल्म रॉय को टक्कर देने का पूरा इरादा है आपका? हम किसी को कोई टक्कर नहीं देते बेटा, हमारा इरादा है कि ये हर बच्चे बच्चे तक पहुंचे और जो चेंजेस हम समाज में लाना चाहते हैं उससे वो चेंजेस आए और यूथ हमारा आगे बढ़े और अच्छी शिक्षा ले। गुरुजी हाल ही में आपने ये कहा है कि दिल्ली इलेक्शन के दौरान कि आपके जो 1,000,000 फॉलोअर्स हैं वो बीजेपी को वोट देंगे, तो क्या इस चीज़ का कुछ लेना देना है कि जब फिल्म आपकी पास की गई क्या इसका इस चीज़ से कुछ लेना देना है? 1% भी लेना देना नहीं बेटा, वरना 16 को रिलीज हो जाती, 23 को हो जाती, चलो 30 को हो जाती, तो ऐसा कुछ भी लेना देना नहीं है इन चीज़ों से। और क्या आप अकाली दल को भी सपोर्ट करेंगे जो बीजेपी की जिसे बीजेपी सपोर्ट करती है, बट अकाली दल ने आपकी फिल्म को काफ़ी प्रोटेस्ट किया है पंजाब में? बेटा वहाँ जो लोग हैं अलग अलग राजनीतिक विंग बने हुए हैं, दिल्ली का अलग है, हरियाणा का अलग, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सब जगहों के अलग अलग राजनीतिक विंग हैं। तो उन्होंने जो एफिडेविट रखे थे कि कन्या भ्रूण हत्या, बेटी को गर्भ में नहीं मारना, नशे छोड़ने हैं, क्लीनिनेस पे ध्यान देना है, बहुत सारी लिस्ट थी कि उस पर आगे साइन करें, तो जो हमें बताया गया जो उन्होंने राजनीतिक विंग ने कि गुरुजी इस पे सिर्फ बीजेपी के लोगों ने, जो उनके सहयोगी होंगे उन्होंने भी किए होंगे कि उन्होंने आके साइन किए, तो इसलिए हम उनको ये बोर्ड दे रहे हैं। तो हमें लगता है अगर उन्होंने सबने किए हैं तो वो सबको ही देंगे, किसी एक को तो छोड़ेंगे नहीं। बहुत कम लोग वर्ल्ड कप के दौरान फिल्म रिलीज करना प्रेफर करते हैं, आपके हिसाब से ऐसा लगता है वो कम लोगों तक पहुँच पाएगी फिल्म वर्ल्ड कप के चलते? हमें लगता है वर्ल्ड कप भी बच्चे देखें और इसको भी देखेंगे, और ऐसा लगता नहीं कि दोनों की शायद टाइमिंग भी शायद अलग अलग काफ़ी होगी, तो हमने इस बारे में ऐसा कुछ सोचा नहीं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कि ठीक है इस टाइम में रिलीज है तो रिलीज कर देते। फिल्म से पहले फंडा होता है कि प्रमोशंस किए जाते हैं, तो आप किस तरह से अपनी फिल्म का प्रमोशन करेंगे जो कि 13 तारीख को रिलीज हो रही है, तो वक्त बहुत कम है? हम काफ़ी जगहों पे जाके आए हैं, खुद गए हैं, तो जहाँ भी गए हैं अभी हम जैसे विशाखापट्टनम और उस साउथ का इस बार टूर निकाल के आए हैं, और साउथ में भी यहाँ की हिंदी का इतना क्रेज नहीं होता, हालांकि ये उन्हीं भाषाओं में डबिंग हो रही है, केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, सब जगह हम जाके आए हैं, आंध्रा है, तो बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है, यूथ बहुत दौड़ दौड़ के आ रहा है। अभी हम लास्ट में आ रहे थे तो हमें बड़ी जल्दी थी मुंबई आने में रात, तो बड़ा जल्दी जल्दी कॉन्फ्रेंस हुआ, और घंटा हालांकि कॉन्फ्रेंस पे लगा, लेकिन वो कहने लगे मॉल में जरूर जाना, हमने कहा यहाँ मॉल में मतलब लगता नहीं क्या करेंगे, तो गए जब हम तो वहाँ कम से कम 20-25,000 यूथ खड़ा था और सारे लोकल थे और इतना चिल्ला रहे थे, तो हमने कहा आपको पता है इस बारे में कि हमें, कहते हमें बच्चे गाँव में भी पता है कि एमएसजी आने वाला है जी। लेकिन क्या कुछ स्ट्रैटेजीज आपने प्रमोशन के लिए प्लान की है, जैसे बहुत सारे लोग एक्टर्स जो हैं वो रोड शो करते हैं, फैशन शोज करते हैं, आपने कुछ ऐसा प्लान किया है? अभी प्लान नहीं है, लेकिन आज ही फाइनल हो जाएगा शाम तक कि कल से क्या करना है, आज यहाँ है फिर रात पुणे में है, और ये आज शाम को हम फाइनल करने वाले हैं,
प्रीमियर शो यहाँ होगा और एक दिल्ली में होगा, ये दो शो तो पक्का हमें पता चला है, एक 11 को शायद रात को यहाँ है और फिर 12 को रात को दिल्ली में है, तो ये दो तो है। बाकी क्या क्या प्रोग्राम है अभी, वो लोग आ रहे हैं दिल्ली से, अभी जस्ट हमसे बात हुई कि गुरुजी आके आपको सारा बता देते। इनवाइट जो करना है वो हमें लगता है वो सभी को करेंगे, आता कौन है ये देखते हैं। इनवाइट हमने बोला, हमसे पूछा, जो हमसे पूछा था उन्होंने कंपनी ने कि गुरुजी किस किस को करना है, हमने कहा सभी को करो जो भी इसमें संबंध रखते हैं, हमारी तरफ से हर किसी को इनविटेशन देना चाहिए और मीडिया लोगों को भी इनविटेशन देना चाहिए और जो टीवी चैनल के लोग उनको भी, तो जो हमसे पूछा हमने ये इतना तो उनको बोला और उन्होंने इनविटेशन तैयार कर रखे हैं और हो सकता है आज या कल हमें वो लोगों को देंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, हमने बच्चन साहब की एक फिल्म देखी थी, ये बोला था हमने पीछे भी आपके मीडिया को कि शायद 82 या 4 में, ख्याल में नहीं, उसी बीच में देखी थी, तो हम सभी को बोला कि सभी को इनविटेशन कार्ड तो सभी को देना, उन्होंने उनको बोला है। जी पर्सनली हम सभी को इनवाइट करना चाहते हैं, बच्चन साहब को, जो भी कलाकार हैं, डायरेक्टर हैं या म्यूजिक डायरेक्टर, सभी को आपके द्वारा इनवाइट करते हैं। ट्रेलर देखकर बॉलीवुड में से किसी ने आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया है यहाँ पे? है बेटा, ट्रेलर देखकर फिल्म का बॉलीवुड में से किसी ने आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया है या कहीं से कुछ मतलब मैसेज आया है कि बहुत अच्छा ट्रेलर है या ऐसा कुछ? जितनी जगह गए बेटा हर जगह ये बोला गया है, चाहे वो हिंदी भाषा में हम गए यूपी साइड में गए या फिर अभी अभी जैसे हम साउथ का टूर करके आए, तो सबने कहा है गुरुजी क्या, जो यूथ ने खास करके ये दिया है, तो और वो हमें एक चीज़ जरूर करते हैं जब भी हम जाते हैं, हमने सोचा शायद गुजरात में ही करेंगे, यूपी में करेंगे, लेकिन अब साउथ में गए तो ये करते हैं, अरे ये वो आ गए, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि देशभक्ति का जज्बा इनके अंदर भी वैसे ही उछाले मार रहा है। और यही बोला कि गुरुजी ट्रेलर देख के लगता नहीं है कि आप इतनी, आपकी उम्र इतनी होगी, ऐसा लगता आप हमारे में से हैं। पर खास करके बॉलीवुड में से किसी ने आपको कुछ कहा है ट्रेलर? बेटा क्योंकि हम तो घूमते रहे हैं तब से लेके लगे हुए हैं, लगा था प्रमोशन पे टीम ने जो कहा कंपनी ने, इधर से किसी ने कुछ कहा है अभी तक तो बताया नहीं, वैसे हो सकता है किसी ने कुछ बोला हो बेटा, हाँ ये जरूर आया था, एक शायद डायरेक्टर हैं उन्होंने बोला था कि नहीं ख्याल में नहीं आ रहा, और दो तीन डायरेक्टरों ने भी अप्रोच किया, कंपनी वाले कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि उनकी फिल्म में हम काम करें, ऐसा आ चुका है। जी बेटा हमने यही बोला था पिछली बार भी आपको कि अगर कोई भी समाज को बदलने की हिम्मत रखता है और उसमें नंगापन नहीं लेके आएगा तो हम वो फिल्म जो देशभक्ति के लिए होगी, समाज के लिए होगी या ईश्वर भक्ति के लिए, हर हाल में जरूर करेंगे। हम माइक ले लें बेटा ताकि वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, और कोई बात नहीं, बोलो बेटा। बाबा जी आपका मानना है कि जो चीजें मतलब आप, जैसे आपकी मूवी का नाम ही है मैसेंजर ऑफ गॉड, तो आप लोग जो करते हैं उससे हर लोग प्रभावित होते हैं, आप इससे सहमत हैं? जी बेटा ऐसा देखा हमने कि फकीर जो बात कहता है, और आज हमने देखा 5 करोड़ लोग, यूथ जिनमें 70% है वो मानता है, हमने कहा ट्री प्लांटेशन कीजिए, तो आप क्या यकीन करेंगे कि एक दिन में 68 लाख पौधा लग गया और आज तक 5-4 सालों में 5 करोड़ पौधे लग गए हैं, ट्री प्लांटेशन हो गया 5 करोड़, जिसमें 76.7% जिंदा है। तो क्या यूथ कभी सोचता होगा कि मैं भी पौधा लगाना है, लेकिन ये यूथ ने किया, मेनली यूथ ने लगाया और एक ही दिन में 77,770 यूनिट ब्लड डोनेट किया। और आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताएं कि उस दिन यूथ 2 लाख आया हुआ था, 2 लाख देने के लिए, तो ये हमें बड़ी खुशी होती है कि वो इतने जल्दी बदल सकते हैं जो कि नशा किया करते थे और आज वो पेड़ लगाने में सबसे आगे होते हैं, नहीं हम लगाएंगे, तो हमें बड़ी खुशी है इस बात। ओके बाबा जी, जैसे आप भी बॉलीवुड से जुड़ चुके हैं और बॉलीवुड से बहुत विवादित वीडियो AIB जो सामने आया है और यूथ बॉलीवुड को और आप लोगों को बहुत फॉलो करता है, तो उस पर आपका रिएक्शन क्या है, आपने देखा वो वीडियो? नहीं बेटा हमें नहीं पता उसमें क्या है, अगर आप बता दें कुछ थोड़ा सा चाहे संक्षिप्त में कि क्या वो कुछ गलत है क्या है, तो फिर हम बात कर सकते। उसमें बहुत गालियों का प्रयोग किया गया है और बहुत ही भद्दी भाषा का उपयोग किया गया उस वीडियो में, और उसमें बहुत दिग्गज कलाकार हैं, करण जौहर, अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह, इंडस्ट्री के तमाम लोग हैं वहाँ पर मौजूद। बेटा हम हमेशा से कहते हैं, पिछली बार भी आपको बोला था कि जितने भी हीरो हैं आप सबके माध्यम से, जितने डायरेक्टर हैं, हीरोइन हैं, सबसे कहेंगे हाथ जोड़ के कि आप लोगों के आइकॉन हैं, बच्चे आपको फॉलो करते हैं, तो आप ऐसी चीज़ें मत कीजिए बल्कि कुछ ऐसा कीजिए जिसमें समाज में ज़बरदस्त बदलाव आए। बाबा आप पिछले कई महीनों थे जी बेटा, आपने इंडिया में रिकॉर्ड भी बना दिया है प्रमोशन का, कहीं ना कहीं आपने शाहरुख, आमिर, सलमान सबको फेल कर दिया,
कभी सोचा था कि प्रमोशन में आपने रिकॉर्ड बनाया है इंडिया में? नहीं सोचा था, क्योंकि हम कुछ सोच के नहीं चले थे, पर ये चले थे कि एक बार हर जगह लोगों को पता चले। जैसे हम चेन्नई में गए और वहाँ मीना एक लड़की थी जो मीडिया का सारा कर रही थी, तो वो कहने लगी गुरुजी मैं हैरान हूँ, उन्होंने अपनी भाषा जैसे वो लैंग्वेज बोलते हिंदी, कहती मैं हैरान हूँ कि आप यहाँ आए हैं अभी ये पता चला है कुछ एक दिन पहले, और ये मॉल जो है वे बच्चों से भरा, और हैरानी ये है कि गाँव के लोग, कहती रजनीकांत जी की फिल्म आती है तो वो सब शहरों में पूरा होता है कि हाँ भाई, लेकिन हर गांव में नहीं, लेकिन मॉल में गांव के लोग आए हुए हैं ना, हमने एमएसजी को एक बार देखना, तो बड़ी हैरानी हुई कि वो खुद कह रही, मुझे हैरानी है कि साउथ में ये कैसे हो रहा है। आप एक फकीर हैं, लाखों लोग आपको मांगते हैं, जीवन मृत्यु, आदमी जो आया है वो मरेगा भी, आपके हिसाब से क्या आपको लगता है आशुतोष महाराज जो हैं, आशुतोष महाराज फकीर हैं जिनका एक पार्थिव शरीर पिछले एक साल से रखा गया है, उनको दफनाया नहीं जा रहा है, आपको क्या लगता है कि उनके पार्थिव शरीर को दफना देना चाहिए या एक साल की उनकी डेड बॉडी जो रखी हुई है? नहीं, वो रखी क्यों है जी? उनको लगता है कि वो अभी भी जाग जाएंगे वो फॉलोवर को? हमने जो रूहानियत सूफियत हम जो बताते हैं, हमने सारे धर्मों को पढ़ा है और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, उस नज़रिए से पढ़ा, हम खुद प्रैक्टिस करते हैं ध्यान की, ध्यान में जब हम जाते हैं तो ये माना कि बिल्कुल मृत्यु जैसा बॉडी हो जाता है, लेकिन ये नहीं होता कि जीवन का कोई ना कोई लक्षण ना हो। हार्ट अगर धड़कता है तो वो कभी बहुत देर बाद फिर करेगा, तो मतलब ऐसा तो है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सारा कुछ ही बंद हो जाएगा, ऐसा हमने ना तो अपने साथ देखा ना किसी साधक के साथ देखा। और बाकी बेटा हम कुछ कह नहीं सकते वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये आपको सच बता रहे हैं कि इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें जिंदगी का लक्षण ना हो। ये नहीं होता कि उसको बर्फ़ में लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप बैठे हैं समाधि में, कोई ज़रूरत नहीं, आप 10 घंटे बैठे, 2 दिन बैठे, हमारे ऋषि मुनि सालों साल बैठते थे, लेकिन ये नहीं होता था कि उनकी बॉडी उड़ जाती, हड्डियाँ ही रह जाती थी, ऐसा कुछ नहीं था, जीवन का चिन्ह रहता था। तो ये आपको हम समाधि की परिभाषा बता रहे हैं, बाकी वो कैसे बैठे हैं कैसे रख रखा है वो पता नहीं बेटा, हमने कभी इतना अभी इसी में बिजी है तो ध्यान नहीं दिया। आप पिछले हफ्ते शहनवाज हुसैन से मिले थे, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। हाँ, हम आपको बताएं जी कैसे मिले हम आज तक पे, उन्होंने कोई शायद था क्या था कुछ, तीन लोग पूछते थर्ड डिग्री, हमने जो मर्जी हो फोर्थ डिग्री जो भी है, तो गुरुजी आपसे ये करना है, हमने कहा ठीक है, तो हम बैठे थे इंतज़ार कर रहे थे आज तक स्टूडियो में दिल्ली में, तो अचानक शहनवाज हुसैन वो आए, उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं भाजपा से, हाथ मिलाया कि गुरुजी मैंने आपसे फ़ोटो करवानी आपके साथ बैठ के, हमने कहा ठीक है, कहता मैं तो अभी ये करवा के आ रहा हूँ अब आपकी बारी है, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं हम तैयार हैं, बस इतनी सी बात हुई और कोई लंबी चौड़ी या कुछ बात नहीं हुई, उसे हमें बाद में पता है लोगों ने क्या क्या लगा दिया हमें नहीं पता, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात हुई थी कि हम इंतज़ार कर रहे थे वो करवा के आए थे।